श्री बंशीधर नगर। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में मंगलवार को तिरंगा यात्रा निकाला गया। तिरंगा यात्रा जंगीपुर ग्राम से मुख्य मार्ग होते हुए गुसाई बाग मैदान तक गया। तिरंगा यात्रा की अगुवाई स्थानीय विधायक भानु प्रताप शाही ने किया। तिरंगा यात्रा में शामिल लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। इस दौरान विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि हमारा तिरंगा देश की आन बान और शान है। उन्होंने कहा कि देश को आजाद कराने में हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है। उन्होंने कहा कि आज खुशी का दिन है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने से पहले देश का प्रतीक तिरंगा झंडा अपने अपने घरों वाहनों पर नहीं लगा सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद इसका छूट दिया, जिससे हम सभी अपने देश का प्रतीक तिरंगा झंडा घरों और वाहनों में लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह तिरंगा यात्रा झारखंड के सभी विधानसभा क्षेत्र में निकाला जा रहा है। मौके पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रामाशीष तिवारी, भाजपा के जिला महामंत्री विकास स्वदेशी, विधायक प्रतिनिधि अशोक सेठ, सांसद प्रतिनिधि मुकेश चौबे, अनिल चौबे, दया शंकर सोनी, लक्ष्मण राम, राकेश चौबे, मंडल अध्यक्ष कनिष्ठ कुमार, भाजयुमो के मंडल अध्यक्ष विक्रांत कुमार सिंह, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष विकास पांडे, विवेकानंद पांडे, जितेंद्र कुमार, बलजीत सोनी, अविनाश कुमार, अनिल पासवान शुक्ला सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। हमारे पूर्वजों ने अपनी जान दी है। आने वाला 15 अगस्त के स्वतंत्रता का प्रतीक या तिरंगा के रूप में जो हम लोगों को आज तोहफा मिला है, उस खुशी में नरेंद्र भाई मोदी जी के सरकार बनने के बाद हम तिरंगे अपने घर पर नहीं लगा सकते थे, हम तिरंगा अपना गाड़ी में नहीं लगा सकते थे। राष्ट्रवाद का प्रतीक और पहचान, स्वतंत्रता का प्रतीक और पहचान, हम इसका इस्तेमाल अपने घर पर नहीं कर सकते थे, लेकिन हर घर पर अब हम तिरंगा लगा सकते हैं, अपने स्वतंत्रता का प्रतीक फहरा सकते हैं। इसके उपलक्ष्य में हम लोग तिरंगा यात्रा पूरे प्रदेश के हर विधानसभा में निकाले हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जिसके आज युवा मोर्चा के देखरेख में भवनाथपुर विधानसभा में भी यह कार्यक्रम आयोजित की गई। ये लगभग 7 किलोमीटर लंबी यात्रा हम लोगों की है, जो युवा मोर्चा के द्वारा आयोजित की गई है, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग, युवा मोर्चा के तमाम लोग और राष्ट्रवादी विचारधारा के तमाम लोग आज शामिल हुए हैं।